कॉल के बाद जो भी श्रोता आए हैं कृपया तुरंत अपना स्थान ग्रहण करें। 5 मिनट में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। 6 बजे का समय था, ऑलरेडी 45 मिनट हम लोग लेट चल रहे हैं, इसलिए अब ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। जो भी लोग बाहर खड़े हैं, सिक्योरिटी से भी मेरा कहना है कि जो लोग VIPs के जो रो है उनको छोड़ के सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ए और बी जो रो है वो हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए है, सी जो रो है वो मीडिया के लिए हमने रखी है, और एल तक ये सारी सीटें जो रिजर्व है कृपया उनको बैठने दीजिए। स्टाल में और बाल्टी में जो पहले आया है वो आगे बैठे हैं। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई बुजुर्ग वहाँ खड़ा है तो कोई नए अगर बैठा है तो उनको बैठने का उनको मौका दें, उन्हें वो सीट दें। नवयुक्त तो जो लोग हैं एक बार जोरदार तालियों से आज के हमारे प्रमुख अतिथि माननीय गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के हमारे मंत्री राजकीय पुरोहित जी, प्रेम शुक्ला जी, अजिता बच्चन जी, अनंत तरे जी, सभी से आग्रह है कि जो हमारे अतिथि हैं, जो कवि हैं वो वीरों में बैठेंगे, सारे अतिथि हैं वो अभी बाद में वो भी जाके श्रोता की इसमें रो में बैठ के कवि समय का आनंद उठाएंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम को प्रारंभ करना है। मैं उमेश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, और विधि से जो हमारे कार्यक्रम जो प्रारंभ करना है उसको प्रारंभ करें। सुस्वागतम। हिंदी भाषी एकता परिषद एवं राजस्थानी सेवा समिति द्वारा आयोजित 25वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों, कवियों और काव्य प्रेमी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा के हमें कार्यक्रम की शुरुआत करने का आदेश दीजिए। दोस्तों, धरा बधेगी, गगन बधेगा और अनल बध जाएगा, अति प्रचंड यह अग्नि बधेगी, बहता जल बध जाएगा, पंच तत्व के पगले पुतले कान खोल के सुन ले तू, प्रलय उसी दिन होगी जिस दिन कवि का स्वर बध जाएगा। कवि का स्वर न बधे इसलिए हिंदी भाषी एकता परिषद पिछले 25 सालों से इसका कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। उसी श्रृंखला में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, और सभी अतिथियों से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जैसी हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम को माँ वीणा पाणिनि के समक्ष दीप प्रज्वलन करके हम शुरुआत करते हैं, मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को शुरुआत करने की कृपा करें। आदरणीय बीएल शर्मा जी से नम्र निवेदन है कि वो अतिथियों को लेकर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करवाएं। हरिः ॐ मा स्वस्ते न इन्द्र वृद्धशरावाः, स्वस्ते नः पोघा विषववेदाः, स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातो भद्राङ्कर्णेभिः, शरणो या मदेवा भद्रां पश्ये माक्षाभिर्जाजतरा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वा गोसस्तानोभिर्व्यासे माहि देवाहित जदायोः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो
याता श्रोत्रादवायश्च पराणश्चामोघा दगने राजा याता भूदीपदेवरूपस्तं कर्मसाक्षे हविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिस्य तावत्तं सुस्थिरो भव नमः पार्वते पदये हर हर महादेव हर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज 3 फरवरी को हमारे संयोजक एडवोकेट बीएल शर्मा जी का जन्मदिन भी है, तो मैं उनके लिए 4 पंक्तियां बोलता हूँ कि जिंदगी में कभी गम के बादल न छाएं, जीवन का हर पल खुशियों से भर जाए, यही दुआ है तमन्ना है हम सब की, जिंदगी में हर पल आप सदा मुस्कुराएं। एक बार जोरदार तालियों से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दीजिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बहुत ऐसे लोग थे जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किए, हमारे बीच जुड़े रहे। उनमें से एक व्यक्ति जो आज हमारे बीच नहीं है, और कई शहीद जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आदरणीय बीएल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। आएं और 2 शब्द से श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत करवा। आज मंच पर उपस्थित हमारे प्रबल नेता माननीय गिरिराज सिंह जी, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं लघु उद्योग और इंडस्ट्रीज के, और साथ में हमारे जो सब विशिष्ट अतिथि मंच पर आए हैं, राजके पुरोहित जी जो महाराष्ट्र सरकार में अभी जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ, अपने में अपने सलाहकार और लोकप्रिय व्यक्ति जो कहीं भी, चाहे जो हमारा कार्य बहिंदर में हो, हम लोग उनको खींच के ले आते हैं, और वो इतनी दूर मुंबई से आते हैं जबकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो साउथ मुंबई कालादेवी है, लेकिन वो खाली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता नहीं है। और आज हमारे बीच प्रेम शुक्ला जी, जिनको आप रोज़ टीवी में देखते हैं चर्चा करते हुए बैठे हैं, हमारे सलाहकार हैं। और हमारे बीच मुद्रकांत शास्त्री जी, जो जिनकी भागवत आपने पूरे थाने शहर में देखी थी, इतनी बड़ी भागवत कभी नहीं हुई थी, वो आज आए हैं अपना सब कीमती समय निकाल के। सराफ जी आए हैं देवी प्रसाद कोलकाता से, अनंत तरेराव जिन्होंने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कराई। आज दिग्गज साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तरे साहब चूँकि फिट और एकदम पूरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, और 25 साल भी आएंगे कवि सम्मेलन में, तो ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। सरदार तारा सिंह जी, पिछली बार भागवत की तो हॉस्पिटल में थे, इंसुलिन चढ़ा हुआ था उनसे, और वो निकाल के आए और फिर जाके भर्ती हो गए, तो ऐसे भी कर्मठ हमारे पास विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। अमिताभ बच्चन जी, उनके बारे में जितना कहूँ कम है। अमिताभ परिवार का जो पुरस्कार हम देते हैं, हम लोग एक बार चाहते थे अमिताभ जी आए उस पुरस्कार के लिए, लेकिन वो अपना नहीं आ पाए, अभी भी वो किधर विदेश गए हुए हैं। लेकिन हमें खुशी क्या है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र, आज पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों से कंटिन्यू आ रहे हैं अपने पिताजी के नाम पे पुरस्कार देने के लिए। तो एडवोकेट प्रकाश भोसले मेरे बार 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 के अध्यक्ष हैं, और वो जब अध्यक्ष बनते हैं संजोग से, और ऐसा कोई कवि सम्मेलन या हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं है। मैं सबसे पहले अभी उनका स्वागत करता हूँ, और उसके बाद में जो सबसे गंभीर घटना 4-5 दिन पहले हमारे इस थाने पालघर जिले में जो हुई है, हमारे बीच के एक लोकप्रिय नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद रहे और 1 बार विधायक रहे जवाहर से, ऐसे लोकप्रिय आदिवासी नेता, उनका देहांत हो गया। उन्हें दिल्ली में, उनके डॉक्टर भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर इंदुरिया जी मंच पे हैं, शायद उन्होंने ईश्वर को शायद यही मंजूर था, जब 63 साल की उम्र में एक हंसता खेलता परिवार, 2 उनके बच्चे। लेकिन मैं उनके बारे में
इतना ही कहूंगा कि तीन बार सांसद रहने के बाद भी और विधायक रहने के बाद में भी आज भी उनके परिवार को अगर आप जाके मिलेंगे तो वो उसी तरह से अपने कच्चे घर में रहते हैं जैसे बाकी आदिवासी रहते हैं, और उनके पास कुछ नहीं है। उनकी पत्नी आज भी सब्जी वगैरह बेच के उनके बच्चे अपना गुजारा करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक सितारा, एक ऐसा लोक नायक हमारे आदिवासियों का, हमारे कवि सम्मेलन का फाउंडर मेंबर राम भाव कापसे और आनंद दिघे जी, जैसे मैंने आनंद तरह जी कहा उसी तरह से चिंतामण वनगा जी जब 93 में हमने प्रारंभ किया और तब से लेके रेगुलर आने वाले अभी भी वो आ रहे थे, उनका नाम आपने कार्ड में देखा, उनकी अभी जो हमारी स्मरणिका होगी प्रकाशित उसमें भी उन्होंने संदेशा दिया है चला के, बोले मैं दिल्ली में हूँ, अधिवेशन उस दिन होगा तो मैं कैसे भी समय निकाल के इस कवि सम्मेलन में आऊँगा। बड़े दुख की घटना अभी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सभी लोग 2 मिनट खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उनके लिए हम लोग उनको भी देंगे, साथ में थाने के दूसरे नेता हमारे विधान परिषद के अध्यक्ष थे वसंत डावकरे जी, वो भी इन दिनों नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा जो शहीद पिछले एक वर्षों से जो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं हमारे फौज के शहीद, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के शहीद, उन सभी को हम श्रद्धांजलि देंगे। 2 मिनट के लिए आप सभी लोग सावधान की अवस्था में खड़े हो जाएं और हम उनको श्रद्धांजलि देंगे सभी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, पिछले 25 वर्षों से इस साहित्य का दीपक एडवोकेट श्री बीएल शर्मा जी ने थाने में हमेशा से जलाए रखा है। एक बार जोरदार तालियां एडवोकेट बीएल शर्मा जी के लिए। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करना इतनी आसान बात नहीं है। इस मंच पर अनेक कवि आए और देश भर के कवि यहाँ पर कविता पाठ किए। इन 25 वर्षों में उन्हें किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और संस्था द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हिंदी साहित्य के लिए, राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए, मैं उनसे आग्रह करता हूँ आए और संस्था के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें। भाइयों और बहनों, मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूँगा और वो भी 25वां साल है इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं, आपको पता है। और ऑलरेडी जो है अपने को इस देश के सारे सुप्रसिद्ध कवि आज शशिकांत जी के संचालन में आपने कई बार कवि सम्मेलन यहाँ पे सुना है, अब्दुल गफ्फार, सुनील जोगी जी, महेंद्र अजनबी, सारे इस देश के, कविता तिवारी एक देश की उभरती हुई वीर रस की कवित्री, और हमारे बीच सुदीप भोला, आप रोज़ टीवी में जिनको सुनते हैं आजकल वो चैनल क्या 16 में देखते हैं, ये सारे कवि देश विदेश पूरा घूम चुके हैं लोग, इनके कारण आज कवि सम्मेलन का नाम अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन रखने लगे हैं। लेकिन चूंकि हमारा तो देश से राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ कवि सम्मेलन है, राष्ट्र को समर्पित कवि सम्मेलन है, और मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का जो नाम है वो नाम थाने से गया है पूरे देश के अंदर। आज के 23 साल पहली बार ये नाम हमने दिया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन होते हैं, आप सब जगह जाते हो, लेकिन मैंने 23 साल पहले का जूना कार्ड भी मेरे पास में है, और उसके बाद में लोगों ने इस कवि सम्मेलन का नाम सब जगह राष्ट्रीय कवि सम्मेलन देना प्रारंभ किया, और आज तो लोग अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की बात करते हैं। लेकिन क्यों, चूँकि हमारे कवि सारे अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उनको हक बनता है, लेकिन मैं तो राष्ट्र को बड़ा मानता हूँ और राष्ट्र को बड़ा मानूंगा, इसलिए हमारा तो ये कवि सम्मेलन राष्ट्र को ही समर्पित है तो राष्ट्र सम्मेलन ही रहेगा। दोस्तों, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हिंदी भाषी एकता परिषद और राजस्थानी सेवा समिति 2 संस्थाएँ हैं, और इनके साथ में और भी सहयोगी संस्थाएं हैं, आप कार्ड में देखें सबका नाम उसमें है पीछे।
आज इस उत्सव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो नहीं आ पाए अभी तक, वो राजपुरे जी आपको बताएंगे कि वो, क्योंकि वो उनके साथ में हैं, मंत्री हैं। और उनका उपस्थिति में हम लोग ये कार्यक्रम जो है वो करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के विशेष इसलिए करता हूँ कि इस महाराष्ट्र की भूमि पे जहाँ मातृभाषा मराठी भाषा है, जो हमारी राजभाषा है यहाँ की, लेकिन मराठी भाषियों ने राष्ट्रभाषा के प्रसार के लिए इस मंच को पूरा पूरा समर्थन दिया करके आज हम 25वें साल में यहाँ पर पहुँचे हैं। महाराष्ट्र की इस कर्मभूमि को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन महाराष्ट्र के लोगों का जिन्होंने हमारे पे विश्वास बताया। और इस मंच के ऊपर जो साहित्य के प्रति लगाव, राष्ट्रीयता के प्रति लगाव, युवा समाज जिनको एक प्रेरणादायक मंच बना, आज उस मंच के 24 साल पूरे होने में 25 साल हम प्रवेश कर रहे हैं। नाम मेरा हो रहा है संयोजक एडवोकेट बी एल शर्मा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अगर मेरे साथ मेरे सह संयोजक अरुण जोशी जी नहीं होते और ये जो मेरी टीम आप जो 10-12 नाम देख रहे हैं वैसे वो अनेक लोग हैं नहीं होती, तो मैं 25 साल तक ये कोई सम्मेलन यहाँ पर नहीं हो पाता, शायद ये 20 साल में ही बंद हो जाता। लेकिन ये जो प्रेरणा अरुण जोशी जी ने और मेरी पूरी टीम ने मुझे दी कि नहीं कुछ भी हो जाए कवि सम्मेलन जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार देते हैं इस मंच पे, तो इसको बंद नहीं करना है। लेकिन शायद 25 साल हो गए, मोदी जी का भी यही कहना है जब उम्र होती है, तो मैंने 35 साल की उम्र में मैं इस कार्यक्रम का संयोजक था और आज मेरे 60 साल पूरे हो रहे हैं, तब मैं चाहूँगा कि नई कमेटी बने और नई टीम बने, क्योंकि मैं अरुण जोशी जी हम लोगों ने इतने साल दिए, 25 साल दिए, मेरी टीम ने 25 साल दिए, सारी टीम का आपका नाम ओम प्रकाश शर्मा जो संस्थापक सदस्य है मंच पे नहीं आए क्योंकि वणगा जी उनके बहुत गहरे मित्र थे और उनका आज का नहीं 30 सालों का संबंध रहा है उनसे, 30-35 सालों का, तो अभी भी दुख में है वो, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि हम उनको दिल से श्रद्धांजलि दिए हैं। मेरी माता जी का देहांत हुआ था, 13वें दिन भी हमने कवि सम्मेलन किया था, बहुत लोगों ने कहा था कि उसको पोस्टपोन कर दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये पब्लिक कार्यक्रम है, ये जनता का कार्यक्रम है, इसको हम बंद नहीं करेंगे, नहीं इसको पोस्टपोन करेंगे। पिछले साल कुछ दुर्घटना हुई मेरे साथ में, तो हमको पोस्टपोन जरूर करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने 2 महीने के बाद में मेरे दोस्तों ने मना किया कि आप मत कीजिए, सुभाष जी ने भी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज अपना हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने किसी को युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए, जो शिक्षक आ रहे हैं, कैंसर के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, अपन कुछ देना चाहते हैं, इसलिए कवि सम्मेलन कर रहे हैं। आपको बताऊं इस कवि सम्मेलन में इस देश के सारे बड़े कवि इस मंच पर आ चुके हैं। हरिओम पवार जी आज नहीं आए, वो अचानक वो इनको इंग्लैंड जाना पड़ गया, रामदेव बाबा जी के साथ में उन्होंने क्षमा मांगी है आप सभी से। सुरेंद्र शर्मा जी आए, कुमार विश्वास भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी संचालन किया आपने देखा है, और अब्दुल गफ्फार, विनीत चौहान, सत्यनारायण सत्तन जी, इन्होंने स्वाम कितनी बार संचालन किया, आशीष अनल, शशिकांत यादव जी, प्रदीप चौबे, अंजुम रेबर, और साथ में मराठी भाषी सारे कवि। आज मराठी भाषी कवि इसलिए नहीं बुला रहे कि आज हमारे पास में वैसा कवि नहीं है जो प्रोफेशनल ढंग से कविता, लोग फिर मैं किसी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए, मंगेश पाड़गांवकर जी, रामदास फुटाणे, सन्ना नवरे, ये सारे वरिष्ठ जो साहित्यकार हैं वो यहाँ से पुरस्कार लेकर गए हैं, कविता का पाठ किया है इस मंच के ऊपर, ये इस मंच का गौरव है। न्यायमूर्ति ज्ञान चित्रे, न्यायमूर्ति देशपांडे साहब, कानड़े साहब, धर्माधिकारी, और जिसने कसाब को फांसी लगवाने में बहुत महत्वपूर्ण, हमारे सरकारी वकील उज्जवल निकम एडवोकेट, ये सारे लोग इस मंच पर आए हैं और उन्होंने समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस मंच की गरिमा बढ़ाई। डॉक्टर सत्यपाल सिंह आने वाले थे इस कार्यक्रम में, कुछ विघ्न आ गया, उन्होंने भी अपना संदेशा भेजा है। शत्रुघ्न सिन्हा आजकल थोड़े हम लोगों से नाराज चल रहे हैं, लेकिन पहले आते थे। शहीद परिवार, तुकाराम ओमले, 26/11 के सारे शहीद परिवार यहाँ पर आए हैं, इस देश के अनेक शहीद परिवार, और उनको लाने का पूरा श्रेय हमारे हीरालाल जी यादव जो
बैठे हैं आज, अभी उनको हम आज जीवन गौरव पुरस्कार देंगे, पूरा उनको श्रेय जाता है। वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म कलाकार सारे इस मंच पे आए, इस मंच की गरिमा बढ़ाई है। मैंने पहले ही राम भाऊ कापसे आनंद दिघे जी का नाम लिया, क्योंकि 93 में उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि नहीं, ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह तो कोई भी कर लेता, आप कवि सम्मेलन की बुनियाद रख रहे हैं, इसको रखिए, इसके माध्यम से कुछ दीजिए। और उसके बाद में लोग हमारे से जुड़ते चले गए, अनेक गतिविधियाँ संस्था अनेक राष्ट्रभाषा के प्रचार से जो है वो करते आ रही है, वो करते रहेगी भविष्य में भी इसी तरह से, लेकिन नई टीम होगी, वो नई टीम करेगी। आज का भी कवि सम्मेलन ये पूरे देश में संस्कार चैनल के माध्यम से बताया जाएगा अगले रविवार को, उनकी पूरी टीम आई है, देश विदेशों में जाना चाहिए, वो मेरी इच्छा थी। और इन केबल जो थाने का लोकप्रिय केबल है वो इसको लाइव कवरेज कर रहा है, आज का जो कार्यक्रम है पूरे थाना में लाइव कवरेज इसका जा रहा है। और 24 साल के बाद अब बहुत लोग इस कवि सम्मेलन को और टीम थाने में आई एक दो जो करना चाहती है, तो 24 साल करने के बाद में जो आज इतना लोकप्रियता पे कवि सम्मेलन थाने में पहुंचा है, तो नए संदेश आप लोगों के कारण पहुंचा है। और कवि सम्मेलन होए, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रभाषा का यहाँ प्रचार होए, बस मैं यही इस मंच के द्वारा आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और जय महाराष्ट्र। इतना ही मैं कहूँगा, और आगे के लिए मैं उमेश मिश्रा जी को स्वागत करना। मित्रों, पिछले 15 सालों से हम 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार इस मंच से देते हैं, और वो पुरस्कार पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उनका चयन होता है, हमारी कमेटी करती है, उसके बाद में वो पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले हरिवंश राय जी, पहले हम डॉक्टर रामरूम त्रिपाठी जी की स्मृति में देते थे, 10 साल वो दिया, अभी पिछले 15 सालों से जब से हरिवंश राय जी का स्वर्गवास हुआ हम उनकी स्मृति में दे रहे हैं। साहित्य रत्न पुरस्कार जो जिनका भी आपको स्मरण का मिलेगी उसमें सब नाम है, आज तक ये पुरस्कार किन किन हस्तियों को मिला है, साहित्यकारों को, कवियों को, पत्रकारों को। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हम देते हैं वो महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार, और वो जो पुरस्कार है सिर्फ 2 बार ऐसे अवसर आए हैं कि जिसमें एक वीर जिंदा है, योगेंद्र सिंह यादव जिन्हें परमवीर चक्र मिला, और एक बार एक परिवार जिनका जो फौजी ऑफिसर था वो यहाँ पे खुद आके लेकर गया। बाकी 13 सालों में ये शहीद परिवार यानी जो शहीद हो गए इस देश के लिए लड़ते हुए, जिसने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है, ऐसे वीर पुरुष के परिवार को ये पुरस्कार दिया जाता है, इस बार भी दिया जाएगा। और चूंकि हमारी कर्मभूमि, हमने महाराष्ट्र से सब सीखा, यहाँ आकर हमने इस भूमि पर अपनी जो है सामाजिक गतिविधियाँ की, छत्रभूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, तो एक पुरस्कार हम शिवाजी महाराज जी के नाम पे देते हैं, क्योंकि उनके नाम पे जो पूरे महाराष्ट्र का नाम पूरे देश विदेशों में रोशन करता है, या स्पोर्ट्स में, या सामाजिक में, या राजनीतिक में, ऐसे महापुरुष को ये पुरस्कार दिया जाता है, आज भी दिया जाएगा। आज ये जो पुरस्कार हम दे रहे हैं हमारे डॉक्टर सूर्यबाला, उनको ये साहित्य रत्न का जो पुरस्कार आज हम देंगे, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार कथाकार हमारे बीच हैं, उनको ये पुरस्कार हमारे प्रमुख हस्तियों के हाथ से दिया जाएगा। उसी तरह से ये महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार वो शहीद नायक पुंडलिक माने अपने यहाँ के पीपल गांव कोल्हापुर के नज़दीक के हैं, और जो आतंकवादी से लड़ते हुए शहीद हुए थे, आज उनके माता पिता इस कार्यक्रम में आए हैं, शॉर्ट नोटिस में आए हैं, मैं उनका हीरालाल जी यादव जो सैनिक परिवार के मित्र हैं, जो इस देश विदेश में, उनके बारे में मैं बताऊंगा जब सम्मान देंगे, उनको ये जीवन गौरव पुरस्कार दे रहे हैं इस बार इस मंच के द्वारा, 25 साल हो रहे करके। और यहाँ के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय केलकर, उनको छत्रपति महाराज गौरव प्रकाश, क्योंकि अभी उन्हें बहुत ही एक डिफेंस से एक कमांडर की पदवी मिली है, उन्होंने 35 साल जो है लंबा जीवन जो दिया है एनजीओस को, और
इसलिए उनको जो है ये पुरस्कार मिला है। और चूंकि हम लोग ये पुरस्कार ये नहीं देखता कि स्थानीय है, पूरे देश में कहीं जहाँ जो मेरिट के हिसाब से होता है उसको हम देते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच हमारे जो प्रमुख अतिथि उनका सम्मान हम लोग चाहेंगे। मैं अरुण जोशी जी से और प्रेम शुक्ला जी से चाहूँगा कि गिरिराज सिंह जी का वो सम्मान करेंगे, एक स्मृति चिन्ह देके, साल देके। और आप सभी लोगों से गिरिराज सिंह जी के बारे में मैं इतना कहूँगा, एक ऐसा व्यक्तित्व है दोस्तों कि आज भाजपा के शीर्ष नेताओं में उनकी एक पहचान है। लेके आइए, श्री राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राष्ट्रीय, भारतीय जनता युवा मोर्चा के। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए। गिरिराज सिंह जी, बिहार में इनका जन्म हुआ बहरिया गांव में, लेकिन मोदी जी ने सर्वप्रथम इनका राम को प्रस्तावित किया था। आज एक प्रबल नेता है, आप सब जानते हैं गिरिराज सिंह जी को, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। और वो संजोग से एक आगरा में हमारे मृदुलकांत जी ने और जय उन्होंने आग्रह किया और आज हमारे बीच में इनकी जो छवि है वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में है। और मुझे तो खुद गौरव है उनकी छवि के ऊपर, आप सबको भी गौरव होना चाहिए। ऐसे नेता हमारे बीच आए हैं, उनका सम्मान हो रहा है। राज के पुरोहित जी, हमारे सलाहकार, हमारे बड़े भाई, जब चाहिए हम उनको रात को भी बुला लेते हैं। उनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हें कितना भी सम्मान दिया जाओ कम है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि कार्यक्रम छोटा है कि बड़ा है, कि मुझे कौन बुला रहा है, और यही हमने उनसे सीखा है। तो मैं चाहूँगा हमारे संस्था की ओर से हमारे आयोजक समिति के डॉक्टर इंदौरिया जी, मुकेश सावला जी, और ये आए आगे आए, प्रदीप गोयनका जी आगे आए, और उनको सम्मान करें। सुभाष जी प्लीज, जोरदार तालियों से। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र अगर आए इस कार्यक्रम में आईपीएस अधिकारी तो कृपया मंच पे आएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र आगे, ठीक अभी आ रहे हैं, रास्ते में है। मैं तारा सिंह जी का मैं उदाहरण दे रहा था कि हॉस्पिटल में थे, चेक ना कर पे भागवत चल रही थी और उनको ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, वो सिरिंज वगैरह लगा के डॉक्टर को बिना बताए कार्यक्रम में आए। मैं संस्था की ओर से मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर इंदौरिया जी, अशोक पारिख जी, हमारे आयोजक समिति के लोग आगे आए, उनको अरुण जोशी जी, जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आप लोग जानते हैं मुलुंड के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के, और एक कर्मठ विधायक के रूप में इनकी पहचान है। मैं भांडुप से, मैं इनके साथ में काम करता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे बहुत खुशी है कि 5 बार विधायक चुनकर आए हैं। राज के पुरोहित जी भी 5 बार विधायक चुनकर आए हैं, मंत्री बने, पिछली बार भी मंत्री थे 95 की जब सरकार थी तभी भी आते थे कार्यक्रम में, अभी भी आ रहे हैं। जरा अजिताभ बच्चन जी का मैं चाहूँगा सम्मान, हमारे संस्था की ओर से हमारे जो राजेंद्र शर्मा जी आगे आएंगे। अरुण जोशी जी आएंगे, संजय केलकर जी आ चुके हैं, उनका सम्मान हम पुरस्कार देंगे जब करेंगे, जब उनको पुरस्कार मिलेगा। मुकेश भाई सावला, दूसरी लेडीज को भेजिए, ठीक है, मत भेजिए, आइए संजय भाई बैठिए। मुद्दलकांत जी शास्त्री जी, मुद्दलकांत जी के बारे में बस इतना ही मैं कहूँगा कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। एक जैसा इनका नाम है वैसे उनका स्वभाव है, मुद्दलकांत शास्त्री एकदम मृदुल स्वभाव के आचार्य है, जिनको मैं जब पहली बार मैंने इनसे बात किया तो मैंने बोला कि भाई अपने को भागवत कथा इन्हीं से करवानी है। और मैं आपको सही बताता हूँ कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी भागवत कथा मैं
और अरुण जी को मैंने कहा, उन्होंने तुरंत आवर ली। और हमारी टीम, महेश जोशी जी कहाँ गए? महेश जोशी जी कहाँ हैं आप? इधर आइए, मंच पर आइए महेश जी। पूर्व न्यायाधीश हमारे सुरेश द्विवेदी जी मंच पे आएंगे, उनके घर पे आयोजक समिति के लोग उनको बैठाएंगे। सुरेश द्विवेदी जी, महेश जोशी जी मंच पे आएंगे। महेश बागड़ा जी से मैं चाहूँगा, महेश जोशी जी से आगे आए और मुदलकांत जी को सम्मान दे। जो लोग भी स्टेज के बगल में खड़े हैं, दूर रहे, कृपया बैठ जाए, सीटें खाली है। आप लोग इस तरह से बैठ आने से, आइए आगे आइए। अभी सत्कार मूर्ति का भी बाकी है, आइए सर बैठे। अशोक भाई बैठने दो। जरा जोरदार तालियों से देव कुमार जी सराफ इस मंच पर आए हैं, कोलकाता से आए हैं, और उनके बारे में गिरिराज सिंह जी ने बताया कि वो इतने बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन उनकी जो सामाजिक गतिविधियां बहुत बड़ी है। खुद अपने शरीर का ध्यान न रख के उस तरह आज उन्होंने गरीबों की सेवा का, गरीब बच्चों की शादी करने का ठेका उठाया, और हजारों बच्चों बच्चियों का उन्होंने, गरीब बच्चों का विवाह कराया, उन्हें घर रहने के लिए व्यवस्था की। ऐसे महान पुरुष हमारे बीच में आए हैं। मैं महेश बागड़ा जी से आग्रह करूंगा कि आगे आए और उनका सम्मान करें। सर आप जी का आइए, जाइए। आए लास्ट में और कौन रहे? उसले साहब रहे ना, तरे साहब हमारे घर के ही हैं। तरे साहब को हमने शुरुआत की, उन्होंने और कौन दे? गुरमुख सिंह जी से मैं चाहूँगा कि आगे आए। गुरमुख सिंह जी हमारे थाने सर गुरुद्वारा के प्रमुख हैं, और धनंजय सिंह जरा जल्दी से आगे आएंगे। मैं चाहूँगा कि वो तरे साहब को जो है स्मृति चिन्ह दे के, 93 में पहली बार तरे साहब जो महापौर बने थे, और इनका जो लेटर था वो मैं लेके आया था, इनका लेटर महापौर बनने का मुझे वो गर्व है। और वो 3 साल कंटिन्यूस महापौर बने, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं, और हर कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आइए ठाकुर अमर सिंह जी कृपया मंच पे आएंगे, हमारे अतिथि हैं। मुझे पता नहीं वो आ गए, जरा कृपया मंच पे आएंगे। प्रेम शुक्ला हमारे सलाहकार, हमारे सब कुछ, जो 2 सलाहकार हैं, मैं संस्था की ओर से चाहूँगा। उनका साल, श्रीफल और एक स्मृति चिन्ह देके उनका सम्मान होगा। उमेश मिश्रा जी और एडवोकेट अंजना मिश्रा प्रेम शुक्ला जी का सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीजेपी के, हमारे बड़े छोटे भाई, नॉट बड़े छोटे भाई, और हमारे सलाहकार जिनके परिचय की जरूरत नहीं है, राजपुरी जी बता रहे हैं, क्योंकि रोज आप उनको टीवी में देखते ही होंगे ना, किस तरह से उनका डिबेट चलता है, एग्रेसिव डिबेट। तो आप लोग, प्रेम जी से मेरा बेटा बहुत प्रभावित है, मैंने बोला तो कोर्ट में इसी तरह से आर्ग्यूमेंट किया कर। भोसले साहब का सम्मान मैं चाहूंगा, एडवोकेट सुभाष झा प्लीज आगे आए, उनका सम्मान करें। और पवन कुमार शर्मा कहाँ पे है, क्या यहाँ पे? पवन कुमार शर्मा जी आ जाओ, आपको कवियों का सम्मान करना है ना, आइए आ जाइए। एडवोकेट सुभाष जैसे आग्रह करूंगा,
हमारे अध्यक्ष बाहर, नहीं नहीं अभी कवियों का भी होगा सर, हमने डेढ़ एक घंटा इसलिए रखा, इसलिए डबल सो लिया क्योंकि ये लोग मेरे पे ताना मारते हैं कवि लोग। अरे 2500 साल है तो थोड़ा नहीं 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 कवि बच्चे लोग सम्मान। नहीं 2600 साल के लिए सुबह जा, ये लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं अरुण जोशी जी हम लोग पीछे हट गए हैं क्योंकि एक ठाकुर अमर सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा संस्था की ओर से हमारे बीच में कमलेश अग्रवाल या खंडेलवाल जी आए, उनका सम्मान करेंगे जल्दी से। महावीर पेनेल जी जहाँ भी हम आइए, एक मिनट दो मिनट कवियों का करना, कवियों का छोटा जो पहले मेन वाला दे दीजिए ना फटाफट देता हूँ। नहीं अभी सत्कार मूर्ति का जो देना, आइए जल्दी लाइए। अभी जो पुरस्कार सत्कार मूर्ति आज यहाँ पर आए हैं, ये बाकी सारे कवियों का सम्मान होगा सारे। मैं गिरिराज जी से चाहूँगा कि कम से कम वो पुरस्कार तो अपने सारे हाथों से दें, इनकी इच्छा है सबकी। राजपुरोहित जी हाँ जल्दी कर रहा हूँ सर, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ठाकुर सिंह सबसे पहला पुरस्कार साहित्य का मंच है, साहित्य का डॉक्टर सूर्य बालाजी। डॉक्टर सूर्य बालाजी जितनी बड़ी कथाकार है, लेखिका है, उतनी ही एक बड़ी कहानीकार भी है। अनेक पुरस्कार इन्हें मिले हैं, अनेक पुरस्कार जिनमें मेरी संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्नि यमनी, अनेक मैं गिनते जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आज हमको इस मंच से मैं चाहूँगा कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनको सम्मान के साथ मंच पर लाएंगे। ये पुरस्कार मैं गिरिराज सिंह जी से, मैं चाहूँगा कि इस लेखिका को, वरिष्ठ लेखिका को जो मुंबई से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, दिल्ली राज्य सभी सरकारों से उन्हें सम्मान मिला है, सभी संस्थाओं से मिला है, विदेशों से भी मिला है। 2018 में महाराष्ट्र दिवस पर हिंदी साहित्य मंच ने इन्हें सम्मान किया, मंच पर आएँ उनको मैं चाहूँगा कि मंच पर सम्मान से डॉक्टर सूर्य बालाजी को लेकर आएँ। और मैं सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म का पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय त्रिनिदाद एवं नेहरू सेंट्रल लंदन में कहानी व्यंग रचनाओं पाठ प्रदर्शनी पुरस्कार, अनेक पुरस्कार जिसकी जरा जोरदार तालियों से इतनी बड़ी साहित्यकार और कथाकार हमारे बीच में है गिरिराज सिंह जी से मैं चाहूँगा, साथ में राजपुरोहित जी हैं उनको मैं चाहूँगा, सब लोग मृदुलकांत जी हैं हमारे बीच, एक उनको ठेला दो। हाँ हाँ मैं बुलाता हूँ, हाँ वो है भी मंच पर रहेंगे। आप दो मिनट तुम्हें बस आए थे, तुम जी एक ग्रुप, इनको इधर दो मिनट बैठाइए, एक ग्रुप फोटो निकालेंगे, आप दो मिनट बैठिए, बागड़ा जी बैठ आइए, एक ग्रुप फोटो, तीन पुरस्कार देने के बाद निकालेंगे। और मित्रों अफजल भाई
मित्रों, जो दूसरा बड़ा पुरस्कार हम जो दे रहे हैं, वो हर साल देते हैं महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार, और आज भी वो पुरस्कार जो है एक शहीद को जा रहा है इस देश के लिए, जो आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो गया 2013 में, 1996 में जो मिलिट्री में शामिल हुआ सेना में, 14वीं मराठा लाइफ इन्फेंट्री रेजिमेंट में जो कार्यरत था नायक पद पर, और 2014 में जो सेवानिवृत्त होने वाला था, 2013 को 6 अगस्त को मध्य रात्रि में जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी क्षेत्रों ने धोखे से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, और वहाँ पे जो गश्त कर रहे थे सैनिकों उनके ऊपर उन्होंने अचानक वार किया, और उनसे लड़ते हुए पीपल गांव का ये वीर, एक ये जो वीर है इस देश का जो सुपुत्र है, वो शहीद हो गया, और उनके अंतिम संस्कार में पूरा कोल्हापुर, जो उनका गांव है पीपल गांव, वो पूरा कोल्हापुर उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। आपने टीवी में देखा था, जी टीवी के अंदर देखा होगा। आज हमको महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार देते हुए हम अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं। मैं चाहूँगा उनके परिवार के लोगों को मंच पर सम्मान के साथ आप लोग लेकर आएंगे, उनके माता पिता दोनों यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी मंच पे आएंगे, उनके माँ बाप का नाम है। हॅलो, मुंबईकरांनी माझा नमस्कार। मी दुसरी तिसरी शाळा शिकलेली आई आहे, कोल्हापुरावरून आलो आहे, पुंडलिक माने मम्मी। 6 ऑगस्ट 2013 सरला चौकीवर रात्री 3:30 वाजता पाकिस्तानी भ्याड हल्ल्यात पुंडलिक माने शहीद झाला। शहीद झाल्याचं दुःख पण तेवढंच मोठं डोंगरावड आहे, पण ते दुःख दोन वर्ष घेऊन बघितलं, पण काही फायदा झाला नाही। म्हटलं आता रडत बसण्याकिंडा लढत बसायचं। रडून काय फायदा नाही, असा माझा मुलगा होता की आकाशाचा कागद समुद्राची शाई, जसा शिवबा तसा जिजाई, आणि पुंडलिक माझा म्यात्याची आई। मरण काय चुकणार नाही, मरण माणूस पाठीवर बांधून येते, मरण काय येणार तुम्हा आम्हाला कोल्या कुत्र्याला, मरण काय महाग नाही, मनुष्य सडकं चढला तर पुन्हा जाग नाही, माणसानं मरणाला कधी भिवू नये। आणि एवढी विनंती आहे की तुम्ही कळकळीची की तुम्ही व्यसनाआड जाऊ नका। मुली म्हणजे जिजाई, पहिली जिजाई म्हणजे आत्ताची मुलगी, मुलगी ही जतन करा, मुलगी वाचवा, मुलगी वाचली तर जिजाई होईल, नाहीतर मग कशी होणार। तुम्हाला काय मी माझा पुंडलिक माने सही झाला आणि सीमेवर जावा बंदूक घ्या हे सांगत नाही, काहीही असू दे, तुमचं स्वच्छपणानं काम करा, आणि जर अडलं नडलं तर त्याला सोडायचं नाही। आमच्या देशाकडे कोण वाकड्या नजरेनं बघितलं तर आम्ही त्याला सोडणार नाही।
पुंडलिक माने 16 वर्ष नौकरी केलेला साहेब माझा आला की माझ्या साडीला आई शेती करतेला साडीला इस्त्री करीता तसं तुम्ही इस्त्री करू नका पण आई वडिलाला सांभाळा आई ज्याच्याकडे आई आहे तर त्याच्याकडे सर्व आहे ज्याच्याकडे आई नाही त्याच्याकडे काही नाही थोडे दिवस विचार केला की आता मुलगा गेला त्याच वाटेनं आपण जायचं पण दवापाण्याला पैसे जायला म्हणून मी ते विषय बंद केला आणि या देशासाठी मुलग्यानं कसा देहदान दिला आता तुम्ही मी पुण्याला आता 9 वर्ष दिंडी करतो आहे की पुण्यकरांचं कोण वस्त्रदान देते कोण अन्नदान देते कोण कपडे दान देत आहे कोणी आपल्या ऐपत प्रमाण काय वाटेल ते दान देते तसं माझ्या मुलग्यानं देशासाठी माझ्या पोटाला आलेल्या मुलग्यानं देहदान दिला ह्याचा मला अभिमान आहे तुम्ही कुठलंही काम करा पण स्वच्छपणानं करा त्यात तुम्हाला देव कधीही कमी पडू देणार नाही आणि आता काय लई जास्त बोलत नाही मी मुंबईत माझी दुसरी दुसरी येरदारी आहे असतोयच मी सारखी मध्ये एक वेळ आणली ती आणि इथं एका साहेबांचा वाढदिवस आहे सर्व साहेब जमल्यात एक मुलगा गेल्याला गेला तो काय परत येणार नाही दशरथ राजाला सुदूंग चुकला नाही भोग ते आपण भोगणारच पण एक गेला तो रडण्याकिंदा तुमच्यासाठी माझ्याकडं काय होईल त्याच्याबद्दल मी लढत राहणार आहे आणि एवढं सांगून मी छोटी मुडकी तुडकी 2 शब्द सांगतो आणि माझं भाषण पुरे करतो बहुत बहुत धन्यवाद आई और इसके बाद हाँ एक मिनट बसवाना एक फोटो घ्यायची प्लीज बैठो बैठो ग्रुप फोटो घ्यायची आणि एक मिनट संजय जो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार मैंने आपको बताया हमारे थाने के लोकप्रिय विधायक संजय केलकर जी को दे रहे हैं उसका विशेष कारण है इनका बहुत बड़ा परिचय है लेकिन उन्होंने जो 35 साल समाज को दिए 35 साल केलकर का परिचय ठीक 1956 में जन्मे संजय जी कुछ बुद्धि और कर्मठ है संस्कारी हैं हमने सालों मैंने और मेरे भाई ने केलकर जी के साथ में काम किया है कंधे से कंधा मिला के लेकिन इन्होंने जो निश्चय किया जैसे रामबाबू माल की स्मृति है बाजीराव अकादमी के उपाध्यक्ष हैं बच्चों को शारीरिक मानसिक बौद्धिक वृद्धि देश कर देश से जोड़ने के लिए उन्होंने एक अच्छे नागरिक बनाने का एक संकल्प लिया वो पूरा कर रहे हैं पिछले 35 सालों से एक अच्छे नाट्य कलाकार है इन्हें पुरस्कार मिले हैं लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जो पिछले 38 वर्षों से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे और मानद कमांडर की जो पदवी एयरफोर्स द्वारा इन्हें अभी 2017 में मिली है जो बहुत कम लोगों को मिलती है जो समाज 35 साल एनजीओ से जुड़ के आज हमें इनको छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार देते हुए बड़ा आनंद होता है मैं गिरिराज सिंह जी से आग्रह करूँगा हमारे दूसरे अतिथियों से भी आग्रह करूँगा कि वो संजय केलकर जी को और एक जो पुरस्कार हम दे रहे हैं उनको बहुत पहले ही मिलना चाहिए था हीरा लाल जी यादव जीवन गौरव पुरस्कार और जिनको अभी ये मिलना इसलिए जरूरी है कि इन्होंने अपने कष्टदायक यात्रा एक टूटी हुई साइकिल से बिना सीट की साइकिल से देश विदेशों में एक नशा विरोधी अभियान
जो उन्होंने हाथ में लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण शुद्ध रखो, और अभी तो इन्हें सभ्या मोदी जी के सफे अभियान से जुड़ के जिनको पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया, वर्तमान राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, अनेक अनेक, और मेन क्या है, ये जो है ये सैनिक परिवार के ये मित्र हैं, सारे सैनिक परिवार के पास जाते हैं, जो इनका बच्चा शहीद हो जाता है वो उसके परिवार तक जाते हैं, खुद की बीमार होकर भी जाते हैं, और आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा सम्मान से उनको मंच पे लाएं और उनको जीवन गौरव पुरस्कार, डॉक्टर हीरालाल जी यादव जी आए मंच पर आएंगे, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। यादव समाज के अध्यक्ष और जो है वो आए, वो भी मंच पे आए, जल्दी से आए, लेट नहीं कीजिए, समय अब 2 मिनट का समय मेरे पास बचा है, सिर्फ आइए। पहले में डालो फोटो निकालो, हाँ इसके अंदर, हाँ ये काफी है आपका, है ना, ये किसका है, नहीं ये आपका नहीं, हाँ काफी चारों जन को दो। केलकर जी मैं मुझे पता आपको बोलना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दो सौ आगे बढ़े क्या, मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी को चाहूंगा कि आगे आए, हम बैठिए, वो एक चलिए आइए, थैले में डाल के दो सब छोड़ के उनको नीचे जाके छोड़ के ना, वर्मा जी छोड़ के, हाँ आप बैठिए थोड़ा, हीरालाल जी आइए, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी का सम्मान राजेंद्र दादी जी करेंगे, जो श्रीनगर के पुलिस कमांडेंट है, हमारे बीच हैं, बड़ी दूर से आए आते रहते हैं, पहले कवि सम्मेलन में आते थे, एक श्रोता करके अब बड़े पुलिस अधिकारी हो गए, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, राजेंद्र दादी जी, बाबू सिंह पुरी जी आ गए जरा जल्दी से, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी का सम्मान करेंगे, एक होनहार हमारे मंच से निकला हुआ एक आईपीएस अधिकारी है, आइए राजेंद्र जी सम्मान करिए।
नहीं अभी पहले वही गिरिराज सिंह जी बोलेंगे कवियों का सबको खड़ा तो कार्यकर्ताओं को मुझे मालूम है गिरिराज सिंह जी को जाना है लेकिन नहीं नहीं सर अभी मैं अभी कवियों के हाथ में मत देना चाहता हूँ लेकिन उनका सम्मान होना जरूरी है। ठीक है मैं अभी गिरिराज सिंह जी को आग्रह करता हूँ कि वो आए और आज इस 25वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अपना मार्गदर्शन करें हमें हमें और आपके सहयोग की आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपने मुझे बुलाया। मैं ऑडियंस का भी पेशेंस का दाद देता हूँ। ये सोच रहे होंगे कब खत्म हो कि मैं कवि का सुनूं आगे नेता पीछे कवि तो मैं नेता लोगों ने तय किया है कि दो दो मिनट में अपना काम समाप्त करूंगा। एक बार जरा जोर से जयकारा लगाएं भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 25वीं वर्षगांठ पर केवल शर्मा जी को नहीं बल्कि पूरी टीम को कोटिशा बधाई देता हूं धन्यवाद देता हूं कि 125वां साल भी बीते हम रहें या न रहें। हमारे मित्र और बीजेपी के नेता हमारे राज पुरोहित जी हमारे तारा सिंह जी जो हॉस्पिटल से भी यहां पहुंच जाते हैं लोगों के बीच संजय केलकर जी जो खुद एक कलाकार हैं एक विधायक हैं और मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। अजिताभ बच्चन जी जो हरवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं समाज सेवी हैं मृदुल कान जी मानवर प्रकाश भोसले जी अंतर तरे जी डॉक्टर सुनील जोगी जी सुदीप भोला जी कविता तिवारी जी गौरी मिश्रा जी अर्जुन अल्हर जी कवियों में अल्हर अच्छा शब्द लगता है इसलिए अर्जुन अल्हर जी अब्दुल गफ्फार जी बीएल शर्मा जी की चर्चा ही नहीं करना क्योंकि आज जन्मदिन है एक बार तालियों की अरुण जोशी जी राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कुंदन कुमार जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन जी भी हमें दिखाई दिए हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूं। मित्रों कवियों से आप सुनेंगे आज भले आप मनोरंजन के लिए आए हों लेकिन देश में जब जब परिवर्तन हुआ है कवियों की वाणी से हुआ है कवियों के पीड़ा से हुआ है। चाहे 1947 की आजादी हो आज भले वंदे मातरम लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हों लेकिन कभी भारत माता से जोड़ने का काम वंदे मातरम ने किया था यह रविन्द्रनाथ टैगोर कवियों का ही देन था। जब देश में आपातकाल लगा था तो महान कवि राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पीड़ा ये शब्द कवि ही समाज को देख करके समाज को झकझोरने का काम किया। मुझे यह भी याद है धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे उन्होंने भी लिखा था 74 के आंदोलन में जयप्रकाश पर खलक खुदा की हुक्म शहर कोतवाल हर खाशो आम को आगाह किया जाता है एक अपने अपने घर की कुंडियां बंद कर लें क्योंकि 70 साल का कोई बूढ़ा लाठी लेकर के सच कहने निकल पड़ा है। मेरे भाइयों कवियों ने झकझोरा अभी एक साल अब होने जा रहा है
मैंने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हमारे प्रधानमंत्री को लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तो मैंने सोशल मीडिया पर आज से 11 महीने पहले ये मेरे नेता नितिन गडकरी जी के कार्यालय में छपा हुआ है, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है, मैंने अपने प्रधानमंत्री के लिए हरवंश राय बच्चन जी की ये पूरी कविता मैंने रखा था। मुझे सौभाग्य है कि आज सारे कलाकारों कवियों का सम्मान करने का मुझे मौका मिला। जिस समय मेरी बहन यहां आई, शायद हर लोगों के आंखों में नम आ गया होगा, चाहे बेटा उनका था लेकिन पूरे भारत ने उसका सम्मान किया। तो आज भारत माता के सम्मान में आज कवियों की बानी होगी, जो व्यंग से आपको झकझोरने की कोशिश करेंगे, जो हास्य से आपके अंदर के भाव को जगाने की कोशिश करेंगे, भले आप मनोरंजन के लिए लें। आज कवि वर्ग का मैं सम्मान करता हूं। वैसे मैं कवि सम्मेलन में रहता नहीं, इनका प्रहार ज्यादा नेताओं पर ही होता है, इसीलिए मैं इनके भाई से शर्मा जी से कहा कि मैं जितना जल्दी हो मैं बोल करके भागूं, नहीं तो इनकी एक एक गोलियां मेरे ही छाती पे लगेंगी। आज मैं इन शब्दों के साथ इस समिति को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं इसी तरह आप कराते रहें, समाज को झकझोरते रहें, क्योंकि मैं कवियों से अंतिम वाणी कह करके जा रहा हूं, प्रार्थना करके कि आप देश को झकझोरने का भी काम करें। अभी सबसे बड़ी समस्या है देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या। हम पूरे दुनिया का 18% जनसंख्या हम भारत में है, और जमीन मेरे पास 2.5% है। कविवर आज चाइना 141 करोड़ आबादी का है, वो एक मिनट में 11 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम एक मिनट में 29 बच्चे पैदा कर रहे हैं। न मेरे पास विकास के लिए न खान, इस पर भी आपका समाज को दिशा निर्देशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कवियों का सम्मान होगा, उसके बाद में मैं उनको मंच दे दूंगा, ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट लूंगा। राजेश चौधरी जी का सम्मान हमारे एडवोकेट प्रदीप टिल्लू जी कृपया मंच पे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के हमारे सेक्रेटरी हैं, जरा जल्दी आएंगे प्लीज़। अभी मंच के संचालक कवियों का सम्मान हो रहे हैं। आइए एडवोकेट प्रदीप टिल्लू जी उनका सम्मान करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के हमारे उपाध्यक्ष। एक सम्मान चिन्ह है कि इतनी दूर से दिल्ली से आए हैं, जरा जोरदार ताली से उनका सम्मान होना चाहिए। शशिकांत जी यादव जी का सम्मान राजेंद्र शर्मा करेंगे, हमारे मुमरा वाले राजेंद्र शर्मा जी करेंगे, जरा जल्दी स्मृति चिन्ह और पुष्प देके जल्दी, अभी समय कम है। मैं आगे आइए राजेंद्र जी आइए ना, जरा जल्दी आइए ना, आइए आइए। डॉक्टर सुनील जोगी का सम्मान मैं चाहूँगा गिरिराज करे, क्योंकि उनके वो प्रिय कवि रहे हैं जहाँ तक मैंने सुना है। सुनील जोगी जी इधर आगे आएंगे प्लीज़। कहाँ पे जयपुर में अभी आए नहीं क्या? आइए। महेंद्र रजनी जी का सम्मान मैं चाहूँगा महेंद्र उमाकांत वर्मा जी करेंगे, जल्दी मंच पे आएंगे, समय कम है। महेंद्र जी
सुनील योगी की एक्ट अभी बदली कर लीजिए, गलती नहीं हो जाए। सुनील महेंद्र ठीक है, उनको सादी ट्रॉफी दीजिए ना, आज बदली कर लीजिए। ठीक है, अरे कवियों में इतना तो अंडरस्टैंडिंग है, बदली कर लेंगे। कहाँ है सुनील जोगी जी, आइए गिरिराज जी ये आ गए। सुनील जोगी जी ये दीजिए, जाइए। पवन कुमार शर्मा हो गया ना, शर्मा किया गया। विजय चौधरी जी, महावीर पैनल जी आ गया ही। सारे कवि लोग कृपया, मैं चाहूँगा एक एक करके आगे आ जाएंगे। कवि भाई मेरे आइए। सुदीप भोला जी, सुदीप भोला, अब्दुल गफ्फार कहाँ पे है भैया? आ रहे हैं अब, और अभी अब्दुल गफ्फार जी आ गए हैं, अभी चालू हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सर जल्दी जल्दी आइए, अरे इकट्ठे ले आओ सब, सब का ले आओ, कवियों का ले आओ। हाँ सुदीप, सारे कवियों का लेके आ जाओ। अरे राजेंद्र जी, विजय चौधरी जी, गुरमु अजय गुरमु आ जा, वो ठीक है उसका नहीं, सारे कवियों का लेके ट्रॉफी। कविता तिवारी का सम्मान मैं चाहूँगा कि हमारे ये मनीषा सिंह करेंगे, और एक एडवोकेट हमारी लेडी है उसका क्या नाम, गौरी मिश्रा का सम्मान हमारे डॉक्टर सुषमा शर्मा करेंगे। कविता तिवारी आइए, आइए आगे जरा जोरदार, इस योर पहली बार इस मंच पे आई है, वीर रस की बड़ी कवित्री है। सुषमा जी जाइए, गौरी मिश्रा का सम्मान करेंगी डॉक्टर सुषमा शर्मा। अर्जुन अलर जी का सम्मान हमारी संस्था की ओर से गुरमुख सिंह जी करेंगे, और कौन है साथ में? आइए सुखविंदर है, आइए आइए, नहीं अभी कर रहे हैं सुखविंदर सिंह, जल्दी मंच पे आइए, आइए आइए। और अब मैं राजपुरोहित जी को चाहूँगा कि वो दो शब्द में कहें, और उसके बाद में मैं मंच का संचालन जो है दो वो बताएंगे। आप बोल दीजिए मुख्यमंत्री में, मुख्यमंत्री के बारे में नहीं, आपका ऐसे प्रोटोकॉल में तो बैठता नहीं है, आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय तारा सिंह जी, केलकर जी, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, और आदरणीय शर्मा जी, आदि ओम जी शर्मा, सम्मान्य सभी कविगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, आज जिनका यहाँ पर स्वागत हुआ, ऐसे वीर माता और जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया उनका स्वागत हुआ, उन सभी को शुभकामना देता हूँ। उपस्थित भाई और बहनों, 25 साल पूरे हुए, किसी के भी जीवन में 25 साल पूरे होना बहुत महत्व रखता है, आदमी जवान हो जाता है, खड़ा हो जाता है अपने पांवों पर। ये कवि सम्मेलन भी अपने पांवों पर खड़ा हुआ है, और शर्मा जी ने कहा कि 25 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जिम्मेदारी दूसरों को, युवा हाथों को देनी चाहिए। आपके उत्तम विचार है, परंतु जो इन समिति ने, जो इन कार्यकर्ताओं ने 25 वर्षों में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, समाज को जोड़ने का काम किया, कवियों को और समाज को जोड़ने का काम किया, कवियों के माध्यम से समाज में चेतना लाने का काम किया, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको शुभकामना देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री है, अंतिम क्षण में जिम्मेदारियाँ बड़ी रहती है, वो नहीं आ सके, इसके लिए मैं उनकी ओर से क्षमा चाहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 25 साल से गिरिराज सिंह जी, मैं कार्यकर्ताओं का सम्मान, 25 साल से जो कार्यकर्ता इस मंच से जुड़े हैं, 30 साल में थे, आज 60 साल में आ गए हैं, ऐसे मंगेश वालुन जी जरा मंच पे आएंगे। मंगेश वालुन जी, जिन्होंने इन केबल के थ्रू, ये चैनल के थ्रू अपना ये कवि सम्मेलन लाइव बता रहे हैं, उसी तरह से महावीर पैनोली, के पी मिश्रा, उमाकांत वर्मा, सभी लोग जल्दी से आए, सभी दो मिनट, आशीष शुक्ला आप उधर, सब आ जाइए।
नहीं मेरा स्वागत सबको बोला सारे लोग राजेंद्र जी सारा ट्रॉफी लेके इस कवि सम्मेलन की जो प्राण है आदरणीय एडवोकेट बीएल शर्मा हम सारे श्रोताओं की तरफ से अतिथियों और कवियों की तरफ से उनका स्वागत हो रहा है जोरदार तालियां बजाएं उनका जन्मदिन है इसलिए एक बार जोरदार तालियां जन्मदिन के लिए कार्यकर्ताओं में अरे सब लेकर आओ सबका लेकर आते बाद में बदली कर लेना है जाइए जाइए आगे चलो सब लोग चलो एक मिनट ओनली वन मंगेश वालुन जी अगर आए तो जरा मंच पे मंगेश वालुन जी प्लीज सभी लोग एक एक अतिथि से उमाकांत वर्मा गुरुमुख सिंह जी सुखविंदर सिंह सभी मंच पे आएंगे धनंजय सिंह पवन शर्मा उसके बाद लोकार्पण हाँ लव बुक लिखे लव लिखे लिखे ये सभी लोग बाद में नाम बदली कर लीजिएगा जिसका नहीं है वो दूसरा देख अपना देख के ले एम रूबिन मिस्टर रूबिन एंड मिस्टर सुनील सिंह प्लीज मिस्टर एम रूबिन मिस्टर सुनील सिंह कर मंच पे जल्दी से प्लीज जाओ जो उधर दो एडवोकेट डी के मिश्रा एडवोकेट अंजना मिश्रा प्लीज सुभाष झा एडवोकेट सुभाष झा कृपया मंच पे अपने स्मृति चिन्ह लें गिरिराज सिंह जी के हाथ से अतिथि सब लोग बाद में अगर गलती से बदली भी होता है तो बदली कर लीजिए ये मेरा नहीं है ये मेरा किसने बनाया ये सादा है इसको रहने दो जाओ ना विजय विजय चौधरी जी महेश बागरा महेश जोशी सभी लोग जो 25 साल से लगे हुए हैं अरुण जोशी राजेंद्र शर्मा जरा प्लीज चलो अभी बुक कर मोचो नहीं मैं आपका मिल जाएगा आप चिंता मत सबका मिल जाएगा लाइए हाँ बुक कर एस राम कृष्णन वरिष्ठ पत्रकार के साथ में वो हमारे सदस्य पत्रकार करके नहीं उन्होंने पूरा 25 साल इस मंच को दिया है सबसे वरिष्ठ पत्रकार है थाना के एडवोकेट सुभाष झा प्लीज अपना अपना मैं क्षमा चाहता हूँ समय की कमी है जरा जल्दी से आएंगे कार्यकर्ता यहाँ बैठ के बदली कर सकते हैं प्लीज लेके आइए सर तो मिल गया क्या बोलते हैं माननीय मंत्री जी एवं अतिथियों के द्वारा इस स्मरणिका का विमोचन हो रहा है एक बार जोरदार तालियां 25 वर्ष में संस्था द्वारा किए गए कार्यों का जी के बारे में जो स्मरणिका बनाई गई उसका विमोचन किया जा रहा है बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी उपस्थित हैं उनके द्वारा स्मरणिका का विमोचन किया जा रहा है आप लोग एक बार तालियां बजा दीजिए कवियों के लिए बचा के मत रख लिए वो लोग बजवा लेंगे उनके अंदर इतना हुनर होता है जीते हुए से नहीं हो तो मुर्दों से भी तालियां बजवा लेते हैं
हजार की घड़ियां खत्म हुई। ये सब पिक करो, ये अभी नहीं बंटवानी बाद में। सभी लोग आज 25वां साल है, पहली बार हम लोग आज तक आपको चाय भी नहीं पिला पाए, लेकिन इस बार भोजन की व्यवस्था है। आप लोग 10 बजे के बाद में भोजन 10:30 के बाद यहाँ पे उपलब्ध है, भोजन कीजिए। कवि सम्मेलन चलते रहेगा और आप अवश्य करके जाएंगे, 25वां साल है। मैं आपसे विनती करता हूँ और अब मैं शशिकांत जी को आग्रह करता हूँ कि मैंने उनका बहुत समय लिया, लेकिन शशिकांत जी ने खुद कहा था कि आप 2 सेशन बुक कीजिए, तो पहला सेशन हमने ले लिया है, अब मैं दूसरा। आगे आइए, आगे उनको मैं दे रहा हूँ, आइए। कैसा बांटा दो, बाकी चेयर हटा दो। भोजन कोई अंदर लेके नहीं आएगा? भोजन अंदर अलाउ नहीं है, बाहर आपको गैलरी में करना है। जब मैं अनाउंस करूँगा तभी जाना है, अभी भोजन आया नहीं।
माननीय सांसद जी का सम्मान इस 25वें वर्ष में संपन्न होने जा रहा है, एक बार जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन करिए। पानी लाके रखना पड़ेगा, पानी वगैरह रखना पड़ेगा। थैली थैली थैली।